गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मिस्टर हमजा अली व्लॉग। टाइम हो रहा है हमारा आज 9:30, तो चलिए इस प्यारी से व्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलिए चाय पिया जाता है, नाश्ता किया जाता है, तो उधर उस रूम में चलते हैं। मम्मी नाश्ता में क्या है? अंडा है, कद्दू की भाजी और पालक आलू। और मेरा चाय दे दीजिएगा उनको, ठीक है ना? सब्जी भी खाना चाहिए कभी कभी, ऐसा नहीं कि एकदम नॉन वेज ही। चलिए कर लेते हैं पहले। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी टाइम हो गया हमारा 10:30, तो जल्दी जल्दी पहले जाके शावर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि जाना है, थोड़ा सा काम है। चलिए शावर वगैरह लेके मिलते हैं आप लोग से। मैं बात ले चुका हूँ और फ्रेश दम हो गया, अभी जाना है मुझे साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज जहाँ मैंने चाय पी था शाद के साथ, जस्ट अपोजिट एक शॉप है। इसकी हर तरह की आपको सामान वहाँ मिल जाएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो के आपको हर तरह के वहाँ पे सामान मिल जाएगी। और वहाँ से लेके जाना है स्कूल, वहाँ पे सामान देना है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, और जो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, जस्ट बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। मिस्टर हमजा अली व्लॉग ने वीडियो अपलोड कर दिया। और गाइस प्लीज़ बहुत प्लीज़ आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए फ्रेंड सर्किल में, कज़न वगैरह में। तो चलिए चलते हैं। ये रही हमारी स्कूटी, आराम फरमा रही। ये हमारे सिकंदर भैया, बहुत मस्त आदमी, जॉली आदमी, हम जॉली मूड के। सीधा मिलता है आप लोग को शॉप पे, क्योंकि ड्राइव करते समय फ़ोन क्या निकाल के रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं सीधा आप लोग को शॉप पे। तो इसमें जिस दुकान का बात कर रहा था वो उस दुकान यही है, ठीक हमारे सामने चाय वाला जो था। और यहाँ पे राहुल भाई बैठे हुए हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। से लेके जाना है तो बोले, और ये हमारे राहुल भाई यहाँ बैठ के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। और सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। अब वीडियो अच्छा लगता है ना मेरा, पूरा अच्छा। ये भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो चलिए पहले सामान का पहुँचा देते हैं वहाँ। अरे बस यहाँ जो काम करना था हो चुका है, अभी जा रहे हैं स्वयं के घर। कृष्णा से तो मिल लिए थे, स्वयं से नहीं मिले थे। स्वयं से मिलने के लिए जाना पड़ेगा उसके फ्लैट अपार्टमेंट में, तो चलिए वहीं चलेंगे स्वयं। आप लोग से मिलवाएंगे, वहाँ एक ब्रूजो है, डॉग है, मिलवाएंगे आप लोग को। स्वयं के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, लिफ्ट 4th फ्लोर पर रहते हैं वो, लिफ्ट नीचे आने की लिए चलेंगे ऊपर। तो गाइस उसकी मम्मी बोले कि स्वयं लगता है छत पे है, तो अभी आए हैं जस्ट छत पे, तो उसको एक सरप्राइज़ देते थे। उसको मैंने कॉल नहीं किया था उस टाइम, तो चलिए दिखाते हैं छत पे है कहाँ, उसको सरप्राइज़ देते हैं। ब्रूजो यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रूजो तो हैं। की हाल चाल? अरे भाई कब आया? अचानक से आ गया, बताया भी नहीं। अचानक
यहीं थे बोर्डिंग रोड आए। हाँ, कुछ काम से आए हुए थे। अच्छा, तो गाइस ये हमारे स्वयं हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है ये। क्या कितने साल के बाद मिल रहे हो आज? हम लोग मिलने लगे 10th लास्ट मिले थे। हाँ। नहीं, 9th के बाद मिले हम। 9th के बाद मिले। 9th के बाद अलग अलग स्कूल हो गया। हाँ, हमारा। और फिर आज मिले। आप सोच सकते हैं, 2.5-3 साल बाद मिल रहे हैं। 2.5-3 साल बाद तुम भाई ब्लॉगर बन गए हो। इसको आप लोग एकदम अच्छे से सपोर्ट करिए। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है और तुमको गॉड ऑफ जोन को पीछे करना है क्या? लग तो रहा है गॉड ऑफ जोन को पीछे करना है। एकदम पीछे हो जाएगा भाई, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इसको सपोर्ट करिए, एकदम करेगा लड़का। मैं दम है क्या लड़का। हाँ, और फिर से जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जस्ट बेल आइकन उसको दबा देना। कुछ करना नहीं, ना आपका पैसा कटेगा ना कुछ होगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल, पैसा तो नहीं कटने वाला, ये बात सबको पता है। तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है, कर दो भाई। और भाई मतलब कृष्णा से तो मिल नहीं हम लोग उस दिन। हम हाँ। तो मिल नहीं, इससे नहीं मिल पाए थे कि बहुत दिन हो गया था। एक दिन प्रोग्राम बनाया जाए, हम तुम कृष्णा दोनों। हाँ। साथ में हम तीनों दोस्त कहीं मिलते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं, इनको ही मजा आएगा। हाँ, आप लोगों को भी दिखाएंगे, एंजॉय करवाएंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, हम और स्वयं यहाँ पे लगा पंजा आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग, चलिए शुरू करते हैं आर्म रेसलिंग। 1-2-3 गो गो। जाओ, जीत गए, जिता दिया तुमको। तो देख सकते हैं हमारे बलशाली हमजा ने मुझे जीतने दिया है। अब कुछ पुरानी बातें भी इनको बताया जाएगा। बिल्कुल, आज करते हैं थोड़ा बहुत डर जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत आप लोग से शेयर करना है पुरानी पुरानी बातें। और स्वयं माशाल्लाह सॉन्ग बहुत अच्छा गा लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ बातें बता के आपको स्वयं से कोई बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग सुनेंगे। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो स्वयं हम लोग का जो दोस्ती हुआ स्वयं से, हम तो 6th में गए इंटरनेशनल स्कूल और स्वयं तो वहाँ पे थे 4th से। तो हम लोग का हुआ क्या कि 6th के लास्ट में हम लोग जब 7th में जाने वाले थे तो चीटिंग के पीछे, हाँ ये जस्ट हमारे पीछे बैठे थे चीटिंग के लिए, पीछे से उंगली कर रहे भाई भाई बताओ बताओ कुछ। तो वैसा ही धीरे धीरे करते करते 7th में हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दोस्ती हो गया। ऐसा दोस्ती हुआ कि अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग का दोस्ती कायम रहेगा, है ना भाई? नहीं, बिल्कुल, बस तुम दगेबाजी मत करना। मजाक सीरियस नहीं लीजिएगा आप लोग। अब कुछ तुम बताओ भाई। तो स्टार्टिंग तो बता दिया, अब उसके बाद 7th से उस समय व्हाट्सएप का क्रेज़ हुआ करता था। नया नया जियो आया था, सबके पास इंटरनेट था, तो व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग करना स्टार्ट किए। जियो वाला फ़ोन। हाँ। फिर जैसे जैसे स्मार्टफोन्स आना शुरू हुआ, ऐसे लग रहा है ये सब बात हम लोग 19वीं सदी का कर रहे हैं। लेकिन फिर सबके पास व्हाट्सएप आना शुरू हुआ। व्हाट्सएप पे मेरा, हमजा का, कृष्णा से जिससे आपने पहले मिला है, आपने मिले हैं आप लोग, और एक धीरज नाम का हमारा दोस्त हुआ होता है, अभी भी एग्जिस्ट करता है वो। हम लोग 4 लोग का ग्रुप था, उसका नाम था इंटरनेशनल किंग्स। बचपन की बातें याद करके बहुत अच्छा लगता है, हंसी आता है। इंटरनेशनल किंग्स पे हम लोग बात करते थे कि भाई आज कौन स्कूल आएगा, कल नहीं आएगा, आज क्या हुआ। पढ़ाई लिखाई का कोई बात नहीं होता था, लेकिन हम लोग स्कूल रोज आते थे। हाँ, स्कूल रोज आते थे। अवार्ड मिला हुआ हम लोग को स्कूल रोज आने का। पढ़ाई का अवार्ड नहीं है, लेकिन रोज शायद ही हमने 7th तक किसी दिन एब्सेंट किया हो, क्योंकि मजा आता था स्कूल में, पढ़ाई तो करने जाते नहीं थे। अब बैक बेंचर्स थे, बिल्कुल, आप चेहरा देख के पता चल रहा होगा बैक बेंचर्स थे। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा, फिर 7th पता नहीं कैसे जितना जल्दी ख़त्म हो गया। याद है हमारे क्लास टीचर अजीताब सर हुआ करते थे, वो धमकी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा देते थे कि अगर तुम लोग शांत नहीं हुआ तो मारेंगे, बहुत मार मारेंगे, गर्दा छुड़ा देंगे मार के, ये उनका डायलॉग था। अब वो हैं भी थोड़ा अट्ठे कट्टे, और हम दोनों को मार पड़ा उनसे काफ़ी, बहुत मार पड़ा, बहुत बार मार पड़ा, बहुत गंदा मारते हो। अगर अजीताब सर देख रहे हैं तो माफ़ कर दीजिएगा सर, माफ़ कर दीजिएगा सर। लेकिन यही सब मेरे हिसाब से स्कूल की मेमोरीज होती है। हाँ, कांड करना, फिर कांड के बाद उस वो फीलिंग के कांड से बचना कैसे है, दूसरे को मतलब नहीं मैम वो किया है वो। हाँ, दूसरे को फंसा देना, हम उस दिन आए नहीं थे अपने। और खास करके सबसे मजा तब आता है ना जब अपने ही दोस्त को तुम फंसा रहे हो। ये भी हम टाइम की बात है। हम लोग जो लंच ले जाते हैं, हुआ क्या कि बैग चेक हो रहा था, 4th
फोर्थ पीरियड में कि दिवाली का टाइम था, कोई पटाखा वगैरह लाएगा नहीं। और जैसे हम लोग का असेंबली कम्प्लीट हुआ, हम लोग फर्स्ट पीरियड में गए और सही हम लोग अपना लंच कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। और बैग चेक हुआ तो वहीं की लंच खाली है, मतलब लंच बॉक्स खाली है। कुछ लाए हो तुम लोग कुछ लाए हो, हमारे जो थे अजिताभ सर थे ना, है ना, तुम लोग कुछ लाए हो? तो नहीं सर, आलू का पराठा था और ये सब्जी वगैरह कुछ लाया था, रोटी सब्जी। हम लोग फर्स्ट पीरियड हम लोग खा लेते थे बिल्कुल। तो स्कूल की यही मेमोरी है, लंच कभी फोर्थ पीरियड तक टिकेगा नहीं, लंच के लिए तो टिकेगा ही नहीं, फर्स्ट पीरियड के लिए बना है लंच, ठीक है। अब उसके बाद सेवन्थ हमारा बीता, उसके बाद एट्थ में आए। एट्थ में हमारी क्लास टीचर थी फड़त मैम। हाँ, फड़त मैम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मैम थी। कॉपरेट की हम लोग के साथ, हम लोग उनको बहुत तंग किए, बहुत तंग किए। फिर एट्थ में हो गया कि मेरे लेफ्ट आई में चोट लग गया, उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट, तो उसके वजह से मुझे सिक्स मंथ आई वॉज इन चेन्नई, तो कंप्लीट बेड रेस्ट का टाइम था वो। तो 6 महीने एकदम अचानक से हम लोग स्कूल से अलग थे, ये तो स्कूल जाता था, तो वहाँ से फिर पढ़ाई थोड़ा बहुत पीछे चला गया मेरा। तो फिर एट्थ के बाद पास तो हो गए, 55% आया था वे, मजाक है, बिना पढ़े 55% लाए थे, चीटिंग से लाए थे। सुंदरम मेरे आगे बैठता था, रोल नंबर 33 मेरा था, 32 उसका था, जस्ट हम उसके पीछे बैठते थे, पूरा उसका छापे थे, जो बात सच है। 8 क्लास में हम लोग का रोल नंबर एकदम चेंज हो गया था, मेरा था 14-15 और इसका 34 चला गया था, लेकिन तब भी हम लोग सीट अरेंज कर लेते थे, सीट अरेंज हो जाता था हमारे हिसाब से। तो फिर ऐसे ही क्योंकि 8th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और लाइक 2 साल बाद बोर्ड्स था, तो उसका प्रेशर भी था, तो उसके बाद से हमारा स्कूल चेंज हो गया, लाइक हम छोड़ दिए, अभी होली मिशन में उसके बाद एडमिशन ले लिए, फिलहाल 11th में हम दोनों, ये तो 11th में कॉलेज चला गया क्या, दाढ़ी वाड़ी से ही लगता भी है कॉलेज का लड़का है। तो आते आप लोग को पुरानी स्कूल की यादें आप लोग को मैंने सुना दी, और अब स्वयं की थोड़ा बहुत गाने सुन लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। बिल्कुल, तो आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? तेरा मेरा रिश्ता। अच्छा, इमरान हाशमी का गाना है। हाय, उस समय के गाने ही, कोशिश करेंगे इस गाने को इज्जत दे सके। हाँ, गाए नहीं भाई, शुरू किया जाए। जबरदस्त भाई, बहुत बम्प आ गया था भाई। अच्छा था, बहुत बहुत जबरदस्त। अब बताइएगा कैसा था। हमने तो एक गाना, पहला गाना हम लोगों ने सुन लिया, अब ये लास्ट गाना, क्योंकि टाइम हो गया भाई, घर भी जाना है अब, तो चलिए दूसरा गाना सुनाइए। हां ही है शायद, हाँ, कबीर सिंह का। कबीर सिंह, चलिए शुरू किया जाए। जबरदस्त यार, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम जाओ इंडियन आइडल में, है ना। हाँ, ले चलो ना, फोन करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। फोन कर रहा है, आप बताइएगा कमेंट में कैसा है। बस टाइम हो गया हमारा 5, और भाई अब इजाजत चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत हम 2 बजे आए थे ना भाई। हाँ, 2 बजे हम लोग बहुत सी बातें की, तो भाई अब निकलते हैं घर, ठीक है भाई। और राइट हैंड में कैमरा है, मिलाएगा हाथ किससे? गले मिलेंगे यार, हाथ क्या, और मिलते रहे भाई। हाँ, आते रहे, हो सकेगा आप लोग इसको अच्छे से सपोर्ट करो। बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, बहुत मेहनत। आप लोग इसको सपोर्ट करो। जा रहे ब्रदो, बाय बाय, चल रहे हैं अपने घर। मिलते रहो भाई, आते रहो, सर बटन नीचे जाएगा। देख नहीं रहे हो? हाँ।
ठीक है भाई, बाय 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 बाय, आते रहे, हाँ ब्लॉगिंग जारी रख, सब्सक्राइब कर, बाय बाय। गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अब बहुत थक गए ऑटो से, बोइंग रोड से आने में, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं उसके बाद फिर शाम की चाय। कपड़ा मैंने चेंज कर लिया और फ्रेश भी हो गया, फेस वॉश वगैरह मैंने कर लिया और थोड़ा थक गए हैं। शाम की चाय पियेंगे, फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर रात का डिनर होगा। और आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आज का कैसा रहा। और चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर सीधा आपको रात में डिनर टाइम मिलेगा। डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, टाइम हो गया है 10, और स्वयं से मिल गया आज, बहुत अच्छा लगा। 2.5-3 साल के बाद मैं स्वयं से मिला और बहुत अच्छा लगा भाई स्वयं आपसे मिल के। और ब्रोजो से भी मतलब मैंने नहीं मिला था, वह शुरू मैंने मिला था वही 2.5-3 साल पहले, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई, वो फीमेल है। और अच्छा लगा दोस्त से मिलने में, पुरानी यादें, मतलब बहुत सारे हम लोग ने बातें की स्कूल की, क्या कैसे क्या मतलब मस्ती करते थे हम लोग, इन्जॉय करते थे, लंच खा लेते थे पहले, यही सब। और टाइम हो चुका है 10, और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी जल्दी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह एक प्यारे से व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वयं कुछ अपने मतलब ब्रुजो को कुछ ट्रेनिंग दिए थे, तो स्वयं ज़रा दिखाइए ट्रेनिंग अपना। Thank you.